साथियों, कुछ दिनों पहले एनडीए सरकार ने एक ऐसा आदेश निरस्त किया जो 1966 का आदेश था, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते थे, वो गैर कानूनी माना जाता था। अब हमें इससे क्या शिकायत है? आरएसएस एक अपंजीकृत संस्था है, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अपना कोई मेंबरशिप रजिस्टर नहीं है, जिसकी अकाउंट बुक्स नहीं है, जिसका टैक्स नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन में कितना बड़ा हस्तक्षेप करती है, ये आपके सामने है। हमारी शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए, हमारी करिकुलम्स क्या होने चाहिए, मंत्री कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम निर्णय आरएसएस लेती। यहां तक कि मंत्रियों के ओएसडी आरएसएस के लगते हैं, यूपीएससी का चेयरमैन आरएसएस लगाती है, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स आरएसएस के लगते हैं, एनटीए जो आजकल विवादों के घेरे में है उसका चेयरमैन आरएसएस लगाएगा। तमाम महत्वपूर्ण निर्णय जो हमारी और आपके जीवन से जुड़े हुए निर्णय हैं, उसमें हस्तक्षेप पूरी तरह से आरएसएस का होता है। फिर भी वो अपने आप को सांस्कृतिक संस्था कहते हैं। ये अब सांस्कृतिक संगठन कैसे हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। थोड़ा इतिहास आपको मैं और बता दूं। जब फरवरी 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि उस वक्त गृहमंत्री थे, आरएसएस पर पाबंदी लगाई, तो नोटिफिकेशन में क्या लिखा कि आरएसएस गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गैर कानूनी हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, पैम्फलेट्स बांट रहे हैं जिसमें नफरत की भाषा लिखी है, पैम्फलेट्स में लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। ये सब हम नहीं कह रहे, ये सरकार की नोटिफिकेशन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की नोटिफिकेशन है, 1948 की फरवरी की नोटिफिकेशन है। इस पाबंदी के बाद गोलवालकर साहब ने बड़ी गुहार लगाई भारत सरकार को और प्रधानमंत्री को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल उस वक्त गृहमंत्री थे, उन्होंने उनसे चर्चा शुरू की। चर्चा में उन्हें यह आदेश दिया गया कि पाबंदी तभी हटेगी जब आप एक अपना संविधान बनाएंगे और उस संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखेंगे कि आप ये जो सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं ये नहीं चलाएंगे, रहस्य नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए पारदर्शी होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए, और भारत के संविधान और भारत के तिरंगे का सम्मान करेंगे, जो कि आरएसएस विरोध में थी, जिसके उनका सम्मान नहीं करते थे, सम्मान छोड़िए बिल्कुल विरोध करते थे। तीसरा था कि आप राजनीति नहीं करेंगे, सांस्कृतिक काम करते रहिए अपना। फिर जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाबंदी हटाई। पाबंदी हटने के बाद संघ में बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, बड़ी चर्चा हुई कि जब हम पर पाबंदी लगी थी तब कोई राजनीतिक दल हमारी रक्षा में नहीं आया, हमें अपना एक राजनीतिक दल भी बनाना चाहिए। उस ब्रेनस्टॉर्मिंग का नतीजा था भारतीय जनसंघ। जनसंघ के विषय में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। फिर उसके बाद उस नए अवतार में भारतीय जनता पार्टी आई 80 के दशक में। किस तरह से आरएसएस जनसंघ को चलाता था, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को चलाता है, वो आप सबसे कुछ छिपा हुआ है नहीं, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, सबको मालूम है कि आरएसएस ही इनको कंट्रोल करता है, आरएसएस इनकी दिशा तय करता है, आरएसएस कौन कहां किस पद पर बैठेगा वो तय करता है। उदाहरण देता हूं, 2005 में जब लाल कृष्ण आडवाणी जी पूरे परिवार को लेकर कराची गए और जिन्ना की कब्र पर गए, वहां उन्होंने जिन्ना की बड़ी तारीफ की और कहा जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े मसीहा हैं थे, तो संघ में बड़ा गुस्सा आया, संघ को बड़ा क्रोधित संघ ने आडवाणी जी से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से आप इस्तीफा दे दीजिए। आडवाणी जी को देना पड़ा। आडवाणी जी ने फिर सार्वजनिक रूप से कहा कि ये अच्छी बात नहीं है कि लोग ये बात करने लगे हैं, चर्चा करने लगे हैं कि भाजपा बिना संघ के इशारे पे कुछ नहीं कर सकती, ये न संघ के लिए अच्छा है न भाजपा के लिए अच्छा है। ये आडवाणी जी का भाषण था जो उन्होंने नेशनल एग्जीक्यूटिव में कहा था चेन्नई में। उसके बाद 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रचार पैनल का प्रमुख बनाया, तब आडवाणी जी ने विरोध स्वरूप पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। तब भी आरएसएस ने उन्हें आदेश दिया कि इस्तीफा वापस लीजिए और भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो निर्णय लिया है उसका सम्मान कीजिए। आडवाणी जी ने फिर इस्तीफा वापस लिया। तो बताइए, अगर तमाम राजनीतिक निर्णयों में, भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों में आरएसएस हस्तक्षेप करती है, आरएसएस बताती है किसको कब इस्तीफा देना है, किसको कब इस्तीफा वापस लेना है, तो ये सांस्कृतिक संस्था कैसे हुई? और अगर ये सांस्कृतिक संगठन नहीं है तो राजनीतिक है, क्योंकि राजनीति में रोज हस्तक्षेप करती है। और अगर ये राजनीतिक संगठन है
तो सरकारी मुलाजिमों को क्यों इस संगठन की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए? कल को किसी भी सरकारी कर्मचारी को अच्छी पोस्टिंग चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो आरएसएस की यूनिफॉर्म पहनेगा, सुबह शाखा में एक दिन शक्ल दिखा देगा और उसकी प्रमोशन हो जाएगी। तो क्या वो संविधान की रक्षा कर पाएगा? क्या वो गरीबों की रक्षा कर पाएगा? क्या उनके हकों के लिए लड़ पाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ अपने शाखा वालों को खुश रखेगा, अपने प्रांत प्रचारक को खुश रखेगा, अपने नगर प्रचारक को खुश रखेगा, जिला प्रचारक को खुश रखेगा। क्या इस तरह से सरकारें चलेंगी? क्या इस तरह से सरकारें चलनी चाहिए? अगर आरएसएस उतना ही सांस्कृतिक है जितना स्पिक मैके राजनीतिक है, ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप मान लेंगे कि आरएसएस का दूर दूर तक किसी सांस्कृतिक संगठन से कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो पूरी तरह से खालिस राजनीतिक संगठन है और इसलिए सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेना नहीं चाहिए। वो देश के लिए गलत होगा, संविधान के लिए गलत होगा और सरकारों के लिए गलत होगा। हम इसलिए उसका विरोध करते हैं।